हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाने की रेसिपी। नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने नींबू को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। जैसा आप पीस करना चाहते हो कर सकते हो और अपनी इच्छा के अनुसार नींबू का अचार डाल सकते हो। इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए कई प्रकार के मसालों को ऐड करना पड़ता है। नींबू का जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड के कारण होता ही है, लेकिन इसको मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी को भी ऐड करते हैं। इसमें कौन कौन से मसालों को मैं ऐड करना है, स्वादानुसार नमक है, गर्म मसाला ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च है, ये आपका अजवाइन है, मेथी है, काला नमक है, लाल मिर्च है, हींग पाउडर है, ये सौंफ का पाउडर है, ये आपकी चीनी है। इन सभी मसालों के द्वारा हम नींबू का अचार बनाते हैं। इससे आपका चटपटा खट्टा मीठा नींबू का अचार बनकर तैयार होता है। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम बंटी स्वादानुसार नमक ऐड करते हैं। जैसा आप नमक खाना चाहते हो वैसा आप डाल सकते हो। अब इसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पीपर थोड़ा पिसी हुई डालते हैं। अब इसमें काला नमक डालते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है तथा खाने में चटपटा भी लगता है। अब इसमें अजवाइन पाउडर डालते हैं। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा दरदरा पीस लिया है ताकि नींबू के साथ अच्छी तरह से ऐड होकर स्वादिष्ट अचार बन सके। अब हम इसमें डालेंगे मेथी, नींबू के अनुसार आप इसमें मेथी डाल सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ डालने से इसका नींबू का फ्लेवर अच्छा आता है तथा काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है, जिससे नींबू का अचार काफ़ी स्वादिष्ट एवं चटपटा होता है। अब इसमें हम डालेंगे हींग। अब इन सही मसालों को हम अब इन नींबू को मसालों के साथ अच्छी तरह से ऐड करते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर एक छोटे डिब्बे में भरकर 4-5 दिनों के लिए रख देते हैं। 4-5 दिनों को रखने के बाद इसमें हम नींबू की क्वांटिटी के अनुसार इसमें चीनी भी डालते हैं तथा इससे हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम खाने के साथ अच्छी तरह से खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। मसाले ऐड करके नींबू के अचार को हमने डिब्बे में रख दिया है। अब इसमें हम जो रस निकला हुआ था नींबू में इसमें डालते हैं, जिससे हमारा अचार मुलायम होने लगेगा तथा गल कर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार होता है।